नमस्कार, प्रणाम। सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। जैसा कि हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, चाहे आप में से आप लोग छोटे निवेशक हों और चाहे बड़े निवेशक हों, सभी का अपना अपना पैसा सहारा इंडिया कंपनी में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ पड़ा है। आप सभी का पैसा नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है हमारे सहारा इंडिया निवेशकों के। तथा और भी देश में ऐसी कई चीट फंड कंपनियां हैं जिनमें लोगों का पैसा काफ़ी मात्रा में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, उसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के मध्य नज़र रखते हुए चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो चुनाव में कुछ फीकापन पड़ने के कारण कुछ जो है भुगतान में सुलभता दिखाई पड़ रही है, कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं। उसी के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप सभी का जो भुगतान है उसमें कुछ बदलाव होने वाला है, यानी कि आप सभी का भुगतान मिलने के कुछ चांस लग रहे हैं। कब तक आप सभी का भुगतान मिल सकता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में सीरियल वाइज की जाएगी। आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है या और भी देश में ऐसी कई चीट फंड कंपनियां हैं जिनमें आप लोगों का पैसा फंसा हुआ है और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ है, आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना क्लेम किया है, आवेदन किया है, आपके एप्लीकेशन को जो है CRCS के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड मैसेज भेजकर, तो ऐसी स्थिति में इस वीडियो को देखना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। क्या आप सभी को लाभ होने वाला है इस वीडियो को देखने से? तो दोस्तों, पूरी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि कृपया अगर आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सहारा बंधु, आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा। हम आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से जो है अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा बंधु, हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया में जो फंसा हुआ पैसा है उसको लेकर क्या बदलाव होने वाला है, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो लोकसभा का चुनाव है नज़दीक आ चुका है, सभी को मालूम है चुनाव नज़दीक आ चुका है। इस चुनाव के मध्य नज़र रखते हुए सहारा इंडिया भुगतान में भी काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। वही देखा जाए तो पोर्टल पर थर्ड फेज भी आ चुका है। थर्ड फेज में लोगों को 50,000 रुपये की किस्त मिलने वाली है, 50,000 रुपये की किस्त मिलने वाली है। जिन सहारा निवेशकों का फर्स्ट फेज में भुगतान मिला था और सेकेंड फेज में मिला था, अब उनको थर्ड फेज की बारी है, थर्ड फेज मिलने का उनका अवसर है पूरा। तो उनके लिए तो थर्ड फेज में 50,000 रुपये की राशि मिलेगी, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि जिन निवेशकों का पैसा एक भी रुपया अभी तक नहीं मिला हुआ है और साथ ही साथ सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से उनका आवेदन पूर्णतया CRCS के द्वारा अनेक प्रकार की छोटी छोटी कमियां निकालकर उनके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है, उनका पैसा आखिर कब मिलेगा,
सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा है। 90% लोगों का आवेदन रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आपका भी आवेदन रिजेक्ट किया गया है और आपके पास CRCS के द्वारा डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मैसेज भेजा गया है तो आप सभी के लिए बता दें। देखिए दोस्तों, चुनाव नज़दीक आ रहा है तो चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए सरकार भी कहीं ना कहीं बदलाव करने वाली है। इस समय होली का त्यौहार आ चुका है पूरे देश में। इस होली के पर्व के बाद में आप सभी के भुगतान के ऊपर काफ़ी बड़ी चेंजेस होने वाली हैं। क्या चेंजेस होने वाली हैं देखिए दोस्तों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। अभी एक बिहार में रैली थी माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की। वो रैली बिहार के पालीगंज में थी। वहाँ निवेशक बंधु भी पहुँचे, मीटिंग के रूप में पहुँचे, तो उन्होंने अपना परचम इस प्रकार लहराया कि सरकार भी मुंह फेर कर रह गई। उनको भी शर्म लग गई कि सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया था हम लोगों के लिए, जो वादा किया गया था कि पोर्टल के माध्यम से सभी निवेशकों का भुगतान किया जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। अनेक वादे उनके झूठे निकल गए। तो निवेशकों ने जो है अपने छोटे छोटे पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में हाथ से उठाया कि पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। इस प्रकार से उनको लज्जित किया गया। और बहुत अच्छी बात भी है, पहले भुगतान फिर मतदान, हम लोगों का यदि भुगतान नहीं मिलता है तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। मतदान तो करेंगे अपना, लेकिन जो वादे किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सरकार जो है उसको हम लोग जो है वोट नहीं करने वाले हैं। अन्य किसी दल को करें या किसी की मर्जी जो भी करें, एकदम हम लोग कानून की नज़र में फ्री हैं। अपना लोकतांत्रिक देश है, सभी को मालूम है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरकार कहीं ना कहीं वादा कर रही है, एकदम चुप्पी साधे हुए बैठी है, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए कुछ बड़ा ही होने वाला है, कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलने वाला है। अब होली का पर्व है, इसके बाद में जो भी सुनवाई होगी उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में तुरंत देंगे। जनहित याचिका में एक PIL भी दायर है, 16 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी है। 16 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो भी सुनवाई होगी उसकी भी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो को हम लेकर के आए हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई डाउट अगर आपके मन में रहता है वह सीधा हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोग पूछ सकते हैं। खैर, हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे, विराम करना चाहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।